देश भर के 40 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद तमाम एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के भी कई एयरपोर्ट पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट निदेशक को धमकी मिलने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया गया। पटना एयरपोर्ट पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इसके बाद 2 से 3 घंटे तक सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि जांच के बाद अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। देश भर के 40 एयरपोर्ट को एक साथ उड़ाने की धमकी दी गई है और इसमें पटना एयरपोर्ट भी शामिल है। तकरीबन 1:10 पर ईमेल के माध्यम से यह धमकी दी गई है और इसके बाद अफरा तफरी मच गई। जो एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने तत्काल सभी एजेंसियों को इन्फॉर्म किया। उसके बाद एयरपोर्ट पर उच्च स्तरीय मीटिंग हुई। इस हाई लेवल मीटिंग के बाद जो एजेंसियां हैं, उन्होंने सघन तलाशी अभियान चलाया पटना एयरपोर्ट पर। जो अंदर का प्रमाइसेज है वहां भी तलाशी अभियान चलाया गया, बाहर भी चला, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड। खबर झांसी से है, जहां पर कानपुर नेशनल हाईवे पर एक कार बेकाबू होकर खाई में पलट गई। पलटते ही कार में भीषण आग लग गई। कार में आग देखकर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में फंसे 5 लोगों को बाहर निकाला और सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर कराया। शाहजहांपुर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना रसूलपुर गांव की है, जहां पर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनट में घर का सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश में अग्निकांड की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हम आपको 3 तस्वीरें अभी दिखाएंगे। पहली तस्वीर आप लखनऊ की देख रहे हैं, दूसरी आगरा और तीसरी हमीरपुर की। लखनऊ में चिनहट इलाके में गैराज में भीषण आग लग गई। गैराज में रखी कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। आग से CNG कारों में आग लगी। और दूसरी तस्वीर आगरा की है, जहां पर चलते ट्रक में आग लग गई। राहगीरों ने ट्रक ड्राइवर को आग लगने की जानकारी दी, तब ट्रक रोका गया, बड़ा हादसा टल गया। तीसरी तस्वीर हमीरपुर जिले की है, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते दुकानों में भीषण आग लग गई। कई दुकानें जलकर राख हो गई। गाजियाबाद में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने मिट्टी के मटके निगम में फोड़कर नारेबाजी की। कई इलाकों में पानी का संकट होने से लोग परेशान हैं, साथ ही कई कॉलोनियों में दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। कैलाश नगर के लोगों ने आज नगर निगम में प्रदर्शन किया। नगर आयुक्त ने लोगों की समस्या को सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। खबर बुंदेलखंड से, बुंदेलखंड में भीषण गर्मी और लू के सितम से लोग बेहाल हो गए हैं। जालौन में हीट वेव के चलते 3 लोगों की मौत होने की खबर है। बागी गांव में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं पचोखरा गांव में 1 की मौत हुई है। तीनों मृतकों के पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली NCR समेत गाजियाबाद में प्रचंड गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में रात में बिजली नहीं होने से नाराज लोगों ने सोसाइटी के बाहर हंगामा कर जाम लगा दिया। पुलिस के समझाने पर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि पिछले 20 घंटों से बिजली संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान देने वाला नहीं है।